मंगल पांडे, जिसका नाम हम सभी भारतीय बड़े ही गर्व से लेते हैं, जिसने आज़ादी की सबसे पहली नींव रखी थी, जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की थी। मंगल पांडे वो क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों को थर्राने पर मजबूर कर दिए थे, और उस मंगल पांडे को फांसी देने में भी जल्लाद तैयार नहीं थे। कहानी शुरू होती है साल 1827 में, जिस दिन मंगल पांडे ने जन्म लिया, जिसके नाम से अंग्रेज थरथराते थे। आइए जानते हैं उस महान शख्स के बारे में इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंगल पांडे का बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता। वो करीब 18 साल के थे जब वह ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेविट इन्फेंट्री में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। नौकरी के करीब एक साल बाद ही उन्हीं कंपनी में नए बंदूक इनफील्ड राइफल लाई गई। कथित तौर पर इस राइफल की कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी मिली होती थी। इस कारतूस को चलाने के लिए मुंह से काटकर राइफल को लोड करना होता था, जो कि हमारी भारतीय सेनानियों को मंजूर नहीं था। आखिरकार इसी के विरोध में मंगल पांडे ने 29 मार्च सन 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने कारतूस का इस्तेमाल करने से सब भारतीय सेनानियों को मना कर दिया। यही नहीं, फिरंगियों को मारो का नारा भी मंगल पांडे ने लगा दिया और अंग्रेजों पर हमला भी कर दिया। परिणाम स्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। उन्हें इस विद्रोह के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। 1857 यही वो तारीख तय हुआ जब मंगल पांडे को फांसी दिया जाना था, मगर अंग्रेजों को डर था कि कहीं मंगल पांडे ने जो विद्रोह की थी उसकी चिंगारी पूरे देश भर में ना फैल जाए। इसीलिए मंगल पांडे को तय तारीख से 10 दिन पहले ही, यानी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों की इस फैसले का देश भर में खूब विरोध हुआ, यहाँ तक कि जल्लाद मंगल पांडे को फांसी तक देने के लिए तैयार नहीं थे। जी साहब, उसने मंगल पांडे को फांसी देने से इनकार कर दिया है। हमने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मगर वो भाग गया साहब। हालांकि जल्लाद को फांसी देना पड़ा अंग्रेजों के दबाव में आकर। मंगल पांडे की फांसी के बाद अंग्रेजों को लगा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, मगर क्रांति की ज्वाला जल चुकी थी। मंगल पांडे की फांसी के बाद देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। आम लोगों ने भी अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा। इस तरह से सन 1857 की क्रांति के रूप में भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम ने जोर पकड़ा और आगे चलकर भारत को आज़ादी मिली। 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। मंगल पांडे अब हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनके साहस की कहानी हमेशा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस अमर सपूत के सम्मान में भारत सरकार ने 1984 में एक खास डाक टिकट जारी किया था। मंगल पांडे के जीवन पर आधारित मंगल पांडे फिल्म भी बनी हुई है,
जो 2005 में रिलीज हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर मंगल पांडे की ज़िंदगी को बेहतर समझना अगर है तो उस फिल्म को ज़रूर जाकर देखें।